चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बड़े से बड़ा नेता गांव में आकर किसानों के बीच बैठ के अपनी उपलब्धि गिना दे तो लोग मान जाएंगे कि इन्होंने काम किया। वायदा तो इनका 14 दिन में पेमेंट का था, उसके बाद ब्याज सहित न ब्याज है न मूल है, कुछ भी नहीं है किसान के पास। सर सड़कों में इतने गड्ढे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं जी। कहीं देख लो आप। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। जी, मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के कस्बा बनत में हैं। आज हम यहाँ पर किसानों के बीच बैठे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, तो चुनाव की हलचल आपको यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस चुनाव पर पूरे भारत की नज़र है। आज हम किसानों के बीच है और इनसे बात करते हैं कि पिछली सरकार से कितना खुश है ये, और इस बार क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर, क्या इस बार बदलाव होगा या नहीं। अभी यूपी में चुनाव आ रहा है 2022 में विधानसभा का, तो इस बार क्या माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर, किसान मजदूर अन्य लोगों को क्या माहौल है इस बार, आपको क्या लगता है। भाई, जो सरकार के 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा और केंद्र की सरकार की या दूसरी योजना चल रही, इन दोनों ही सरकार ने किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव देहात के लिए कोई कार्य नहीं किया। और अगर कोई इनका भाजपा का नेता, बड़े से बड़ा नेता गांव में आकर किसानों के बीच बैठ के अपनी उपलब्धि गिना दे तो लोग मान जाएंगे कि भाई इन्होंने काम किया। काम तो इनका कुछ है नहीं। हमारी फसल का कोई वाजिब रेट नहीं है, न टाइम पर पैसा है। जो चीज़ इनके हाथ में है उसके दाम आसमान छूटे हर चीज़ के। तो ये किसान के मरने का ही काम हो रहा, और क्या है। किसान तो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका इस सरकार के टाइम पर। लेकिन सरकार का कहना है कि इस बार तो हमने गन्ना रिकॉर्ड भुगतान दिया किसानों को। क्या इन्होंने अपने घर से दे दिया गन्ना? नहीं दे रखा हम, उस गन्ने का तो पैसा दिया होगा और वो भी पूरा नहीं दे रखा अब तक। बताओ, इस सीजन का इन्होंने पूरा पेमेंट हमारा करा दिया हो तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने टाइम से काम कर रहे हैं। वायदा तो इनका 14 दिन में पेमेंट का था, उसके बाद ब्याज सहित, न ब्याज है न मूल है, कुछ भी नहीं। सरकार तो कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। मैं नहीं देख रहा विकास कहीं भी। विकास जो करा सके इस राज्य का जो है जयंत चौधरी जी करा सके जी। और उन्हें लाने का जो है सब भाइयों की सहमति बन रही, एकजुटता से होगा, पूरी मेहनत करेंगे और उन्हें लाओगे भाई। ठीक, बिजली बिल की क्या स्थिति है आपके घर की? खेत का तो ढेर बढ़िया बिल आ रहा, 5-8 साल हो रहा जी, कांच बार सबकी जोड़ दो इनके गुण गावे उनकी भी। जूती प्लास्टिक की तो चमड़े के अटके तो बनवानी पड़ेगी, अन्य कुत्ते कंच फिर। कोरोना काल में किस तरह काम किया है सरकार ने अपना? कुछ भी नहीं करा, लुटे लोगों को। लेकिन फ्री वैक्सीन तो वो कह रहे हैं कि हम लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवा रहे हैं कोरोना काल में, और तो अस्पतालों में जिसे भी ले गए उसे ही लुटा को 40-40, 50-50 हज़ार पर डे के लिए। और आदमी नहीं बचा? और आदमी भी चला गया। अच्छा, आपको पता तो होगा कि सारा पता, लखीमपुर खीरे में किसानों पर गाड़ियों कौन से कुचल दिया गया था, ये तो काम क्यों है इनका भाई, इस तरह क्यों हो रहा है? यूँ बसरी पर मारने वाले नहीं, बजा जाग गया किसान 5-4 साल एकजुट हुए, अन्य सब अलग अलग फाड़ रखे थे, ये भी एकत्रित हो गए, बजा चढ़ा दोनों में। गृह मंत्री ने जी, गृह राज्य मंत्री ने धमकी दी थी पहले, अब भाई 2 दिन में ठीक कर दूं मैं, सुधार दूं मैं, पहले विधायक था, पहले कुछ और था उस, फिर गाड़ी चढ़ा कर मारे हमने, बताओ न इस्तीफा दे रहा वो टेनी, हाथ की स्मेलिंग करा कर था वो, बताओ किसी ने बोला खैर की लकड़ी में चक्र था वो, इसमें कर था वो बदमाश आदमी। अब किसानों को कुचलना चाह रही है सरकार, सबसे ज्यादा वोट तो किसानों ने दी थी इसे, ऐसे थोड़ा कि कुछ ले जाएगा किसान इन्हें कुचल देगा। अब की बात 3 महीने और रह गए इसके योगी के, ये वही मिला का उत्तराखंड का, यहाँ यूपी का है भी नहीं, यू अजय बिस्ट है इसका नाम, अपने राज्य में जाओ उत्तराखंड में, आज की जरूरत नहीं है। हमारे यूपी में 4 साल पहले एक झगड़ा हुआ था, हिंदू मुस्लिम का नाम ले रहे थे जाट वर्जित मुंडन, उसमें हमारे यहाँ के दिग्गज नेता थे बाबू हुकम सिंह जी, सुरेश राणा जी और आपके संगीत सोम जी,
इन्होंने पंचायत में जाके वहाँ से हिंदू मुस्लिम करा के झगड़ा करा दिया। दुनिया बावड़ी हो गए ना वोट देगी, इन्हू नहीं पता था ये संगी है। संगी है कहता है कि पैर का जूता पैर में रहना चाहिए, मैं किसी के नहीं है, ना मजदूर के, ना किसान के, ना आम आदमी के। उनकी तो एक अपनी संगठन है, उनका एक अपना दायरा है, अपने दायरे से वे चलते हैं, उस दायरे में यह सरकार है। यह सरकार सिर्फ 10 पूंजीपतियों की है, उन्हीं को सारा देश बेच दिया उन्होंने। 6 साल में उन्होंने पूरी संस्थाएं बेचने लग रही। अब बिजली विभाग रहता था मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, वो भी दे दिया। यूपीओ में हड़ताल चल रही बिजली के कर्मचारियों की, उसको भी देने जा रही। आम आदमी गन्ना या कोई बीज की बात तो छोड़ दो, किसान की, तो आम आदमी इनके बोझ को झेल नहीं पाने का। बिजली हो, खाने का सामान हो, तेल हो, कोई भी आइटम हो, इनकी महंगाई को झेल नहीं पड़ेगा। सिर पे चुनाव है इसलिए थोड़ा रुके हुए हैं जी। आप एक बात और बताइए, अभी आपके क्षेत्र से विधायक किस पार्टी के हैं? हमारे क्षेत्र का विधायक जो है भाजपा से है, तेजिंदर निरवाल जी। कितनी बार वो आपके गांव में आपसे मिलने आए हैं? हमारे गांव में जी, हमने तो आज लोग देखे नहीं है, कई रोड पर मिल गए और राम रहीम होगी वो तो होगी हो, लेकिन हमारे गाँव में कहीं ये नहीं है कि मैं अपनी निधि से 2 लाख या 10 लाख रुपए दे दी हो, भाई मेरी निधि से आप ये काम कराओ, आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र का विधायक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और गन्ना मंत्री भी हमारे पास का है, थाना भवन क्षेत्र का। और शामली मिल जो 3 मील शामली जिले का आते हैं, आज उनका पेमिट 19 फरवरी का पेमिट आया हुआ है। क्रेडिट कार्ड भी ले लो आप, एक अगर हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं 18 बीघे जमीन लिखवाते हैं हमारी, उसकी कीमत आज गवर्नमेंट के हिसाब से 5 लाख रुपए बीघा की है, 90 लाख की लिखवाई इन्होंने, और उस पर 3 लाख देते हैं हमें ब्याज, ये 3 लाख रुपए कुल। और 3 लाख में अगर हम जमा नहीं कर पाते तो हमारी टोटल 90 लाख की जमीन ये उड़क कर जाते हैं। लेकिन सरकार ने तो गन्ने पे 25 रुपए बढ़ा दिया है, वो कह रही है कि किसान 25 में क्या होगा, वैसी महंगाई कितनी बढ़ गई, उस महंगाई के हिसाब से आधी बढ़ा दो, आधा ही बढ़ा दो, जितनी महंगाई बढ़ रही है और उसके हिसाब से बढ़ा लो, 25 में क्या होगा, 5 रुपये साल बढ़ाया। इस तरह मरीज खराब सरकार तो कोई भी नहीं हुई कि हमने सड़कें बना दी है, किसानों की आय दोगुनी कर दी है। सड़कें तो सड़कों में तो इतने गड्ढे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं जी। कहीं देख लो आप, हाँ चलो मैं इनका सामने दिखा दूँ आपको कितने गड्ढे हैं। और टुक्की भी लगा हुए हैं, तो एक लगा हुए 5 छोड़ दें, टुक्की भी अगर उस पर रखे हैं लगा हुए हैं तो एक लगा हुआ है, 5 छोड़ दें, उन्हें 4 दिन में फिर बराबर होने। तो साथियों, हम अभी शामली विधानसभा सीट के कस्बा बनत में थे, और जिन मुद्दों को लेकर यहाँ के किसानों और नौजवानों ने पिछली सरकार को वोट किया था, वो उस सरकार ने इनके लिए कुछ भी काम नहीं किया है, जिसको देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। तो इस बार किसानों और नौजवानों और मजदूरों का कहना है कि इस बार हम सरकार को बदल कर नई सरकार को लाएंगे। तो जुड़े रहे चलचित्र अभियान के साथ, 2022 की उत्तर प्रदेश चुनाव की खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।